स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है एक दशक से भी अधिक समय से लोगों को एंटरटेन करता रहा है। सीरियल के चौथे सीजन में अब समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी अवीरा और अरमान के किरदार से सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं युवराज की वापसी के बाद अब कहानी में काफी नया मोड़ आ चुका है। वहीं अब आगे शो की कहानी में और भी जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां आप देखते हैं कि दादी सा चारू को देव के साथ देख उससे भिड़ जाती है। इतना ही नहीं, चारू को दादी सा के सवालों का सामना तो करना ही पड़ता है, उनका थप्पड़ भी लग जाता है। वहीं इनके बीच अभीरा बीच बचाव करने की भी कोशिश करती है और अपने बॉस के बारे में बताती है। वहीं दादी सा ये जानने की कोशिश करती है कि क्या चारू भी उसी जगह उसके साथ इंटर्नशिप कर रही है। दादी सा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और अभीरा को ये सब बातें छुपाने के लिए खूब डांट फटकार लगाती है। वहीं आगे आप शो में देखते हैं कि अरमान अभीरा को संयुक्त परिवार का मतलब समझाता है और परिवार में बिना टकराव के रहने के लिए भी बोलता है। वहीं आगे और भी ट्विस्ट है, जहां आप देखते हैं कि युवराज अभीरा के साथ गलत व्यवहार करता है, वहीं अरमान उसे बचाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, युवराज अभीरा पर गोली चला देता है, लेकिन माधव उसे बचाने समय पर आ जाता है। वहीं अभीरा युवराज को ब्लैकमेल और विद्या की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों के बारे में बातें करती है। वहीं जब अरमान अभीरा की परवाह करता है तो इससे रूही को काफी जलन होती है। तो वहीं कावेरी का अभीरा से सामना होता है, लेकिन माधव उसका सपोर्ट करता है। लेकिन फिर माधव कावेरी को सच्चाई बताता है और अभीरा के बलिदान के बारे में सुन हर कोई हैरान रह जाता है। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है। फॉर लेटेस्ट टीवी न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।